अब जरा एक और आखिरी सबसे बड़े रीजन की बात कर ले और फिर ओवरऑल बिग पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। ये दक्षिण पश्चिम बंगाल रीजन जहां कुल सीटें 119 है, इसमें मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया, बर्धमान, बीरभूम सहित 10 जिले आते हैं। ये सबसे बड़ा इलाका है और यहाँ के वोटर्स का क्या दिल और दिमाग कह रहा है, सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक रोमाना बताएंगी आंकड़े। बिल्कुल रूपिका, तो ओपिनियन पोल के मुताबिक ये दक्षिण पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा 119 सीटें इस इलाके से आती हैं और समझिए जरा किस तरीके से ये पश्चिम बंगाल की जो सियासी तस्वीर है उसे बदलने का मादा रखती हैं, क्योंकि इस इलाके में बराबरी की टक्कर पर टीएमसी और बीजेपी नजर आ रहे हैं। टीएमसी के खाते में जहां पर 60 से 66 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी के खाते में 51 से 57 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। लेफ्ट और कांग्रेस महज 1 से 3 सीटों पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं कुल 119 सीटों में से, अन्य 0 पर है। तो कुल मिलाकर यह बेहद निर्णायक पूरा का पूरा इलाका बनता हुआ नजर आ रहा है दक्षिण पश्चिम बंगाल का इलाका, जहां से सबसे ज्यादा 119 सीटें आती हैं। और ऐसे में वो फाइनल आंकड़ा जिसका आपको इंतजार था, कुल 294 सीटें टीएमसी, 154 से 164 सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई, बीजेपी के खाते में 102 से 112 सीटें, कांग्रेस लेफ्ट 22 से 30 तक सिमटती हुई, अन्य 1 से 3। कुल मिलाकर बड़ी पिक्चर यही है कि ममता बनर्जी की वापसी होती हुई नजर आ रही है फिलहाल सीएनएक्स के आज के इस ओपिनियन पोल के मुकाबले, मतलब तीसरी बार बंगाल में ममता सरकार, यही कह रहा है सीएनएक्स का ओपिनियन पोल। रूपिका, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।